प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 8, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। तो देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला सबसे पहले एक नदी, तो पहले नदी बना लेते हैं। मान लो नदी का एक किनारा ए बिंदु पर है, ओके, दूसरा किनारा बी बिंदु पर है, और नदी यूं बह रही है। मान लो इधर से यूं बह रही है, ऐसे, ये नदी के दो किनारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया, चलो मैं दोनों बिंदुओं को मिला देता हूं, ए बिंदु को मैंने मिला दिया बी से, तो ए बी क्या होगी, नदी की चौड़ाई होगी। अब नदी यूं जा रही है तो इस नदी के ऊपर से एक पुल बना हुआ है, उस पुल पर अगले ने बोला एक बिंदु है। क्या बोला, नदी के पुल के एक बिंदु से, तो नदी के ऊपर एक पुल है, उस पुल पर एक बिंदु है, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने पी। क्वेश्चन में बोला इस बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, इस बिंदु से देखेंगे तो नदी के सम्मुख किनारे कितने हैं, दो अपने पास, एक किनारा ए बिंदु पर, दूसरा किनारा बी बिंदु पर, इन किनारों के अवनमन कोण बताए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां से अवनमन कोण की बात कर रहा है, और यहां से अवनमन कोण देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये क्षैतिज रेखा खींच रहा हूं मैं बिंदु P से जाने वाली, जो कि AB के क्या होगी, समांतर होगी। इस P बिंदु से किनारों के अवनमन कोण बता रहा है, एक अवनमन कोण तो बता रहा है 30 डिग्री का, और दूसरा अवनमन कोण बता रहा है 45 डिग्री का। प्यारे बच्चों, अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ बनते हैं। अब देखिएगा फिर क्वेश्चन में क्या बोला, पुल है वो किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। पुल कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है, 4 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये मैं पुल की ऊंचाई दर्शा रहा हूं, पुल की ऊंचाई है 4 मीटर, ओके, इस बिंदु को नाम दे दिया से। अब देखिएगा हाइट है, परपेंडिकुलर देखी जाती है, लंबवत देखी जाती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। अपने को बोल रहा है नदी की चौड़ाई बताओ, तो नदी की चौड़ाई होगी ए से लेकर के बी तक, हमें ए बी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज कितने हैं, क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया है वो आप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, पुल की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है पुल, अवनमन कोण क्या क्या दिए हुए हैं, अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री दिए हुए हैं। अब आ जाइए चौड़ाई ज्ञात करेंगे हम, ए बी। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसमें समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करिएगा। तो समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ए सी पी, दूसरा है बी सी पी, ये दो समकोण त्रिभुज हैं। इन दोनों समकोण त्रिभुज में ये भुजा अपने को दी हुई है पी सी, जो कि उभयनिष्ठ है। अब सुनिएगा, आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी है कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जेड वाली स्थिति में जो कोण बनते हैं। तो देखिएगा ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे, ये 30 डिग्री का तो ये भी 30 डिग्री का। उसके बाद में देखिएगा ये दोनों समांतर रेखाएं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाले कोण ये भी एकांतर कोण होंगे, ये 45 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। समझ पाए इतनी बात। अब इन अवनमन कोणों से कोई लेना देना नहीं है, हमने इन अवनमन कोणों को यूनियन कोण में बदल लिया। अब आ जाइए सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए सी पी, लिखेंगे त्रिभुज ए सी पी में कोण सी बराबर कितने डिग्री का है,
90 डिग्री का है, कोण ए बराबर 30 डिग्री का है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिएगा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा करण है, जो कि न तो दी हुई है न अपने को चाहिए, अपने को तो ए बी ज्ञात करनी है। तो ए बी कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिए, ए सी पी त्रिभुज में ए सी ज्ञात कर लेंगे, बी सी पी त्रिभुज में बी सी ज्ञात कर लेंगे, ए सी और बी सी को जोड़ देंगे, ए बी ज्ञात हो जाएगी। तो देखिएगा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, जो कि गीवन है अपने को क्वेश्चन में 4 मीटर, और ए सी ज्ञात कर लेंगे, तो ये ए सी क्या होगा, आधार, बेस होगा। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में। तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है 4 अपॉन आधार कितना है ए सी। टेन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/√3 बराबर में आ जाएगा 4 अपॉन AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC का मान कितना आ जाएगा, 4√3 मीटर लिख देता हूँ, ये AC का मान आया। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद में दूसरे वाला त्रिभुज लीजिएगा, लिखेंगे त्रिभुज BCP में, इस त्रिभुज में, इस BCP त्रिभुज में कोण C बराबर 90 डिग्री का है, कोण B बराबर 45 डिग्री का है। 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये फिर लंब हो गई, ये आधार है, लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे टेन 45 बराबर लंब बटा आधार, तो 4/√ कितना है BC, टेन 45 का मान कितना होगा, 1/4 BC, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा 4 मीटर। समझ पाए मेरी बात को, ये BC का मान आ गया। अपने को क्या बताना था, A से लेकर के B तक की दूरी, मतलब नदी की चौड़ाई बतानी थी। तो लिखेंगे नदी की चौड़ाई AB बराबर AC प्लस CB या BC लिख दो। तो AC का मान कितना है, AC का मान आया है 4√3 प्लस CB या BC का मान आया है 4, दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा, √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो √3 का मान लिख सकते हैं, अदरवाइज आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 लिख रहा हूं मैं। बोला गया एक व्यक्ति एक जहाज के डेक एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। ओके, अब बोल रहा है यदि वह पहाड़ी के यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता हो, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिएगा बेटा,
सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्या बोला? एक व्यक्ति है जो एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, मान लो ये पानी की सतह है, ओके, और यहां जहाज है, तो इस जहाज का डेक है वो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, मान लो यहां तक है, ये डेक की ऊंचाई हो गई 10 मीटर। नाम दे दिया इस डेक का ए बी, ठीक है, जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। इस पर एक व्यक्ति खड़ा है यहां पे, और वो क्या करता है, एक पहाड़ी है, मान लो ये पहाड़ी है, नाम दे दिया पहाड़ी का सी डी। जो व्यक्ति इस डेक पर खड़ा है वो यहां से इस पहाड़ी के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री पाता है और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। मतलब यहां से देखता है, यहां से अवनमन अवनमन कोण बनाएंगे तो अपने को क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, तो ये हमने एक क्षैतिज रेखा खींच दी भूमि के समांतर, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने ए, ओके। अब यहां से वो व्यक्ति इस पहाड़ी के शिखर का, ये तो पहाड़ी का शिखर है, ये पहाड़ी का आधार है, यहां से देखता है शिखर को तो अवनमन कोण कितना पाता है, क्वेश्चन में बोला गया है 60 डिग्री और अवनमन कोण 30 डिग्री, तो अवनमन कोण आधार का देखता है, तो यहां से ये अवनमन कोण बन जाएगा, ये हो गया 30 डिग्री। अब अपने को बोल रहा है जहाज से पहाड़ी की दूरी, तो जहाज यहां था, यहां से पहाड़ी की ये दूरी बतानी है, एक तो बी से लेकर के डी तक की दूरी मान लेते हैं कितनी है, एक्स है, एक तो ये एक्स ज्ञात करनी है अपने को, बी डी ज्ञात करनी है, एक अपने को पहाड़ी की हाइट बतानी है। तो देखिएगा ए से लेकर के बी तक की लंबाई ये 10 मीटर है, तो ये डी ई भी कितनी होगी, 10 मीटर ही होगी, तो डी से लेकर के ई तक की तो है 10 मीटर लंबाई अपने पास, अपने को सिर्फ सी ई ज्ञात करनी है, यदि ये सी ई हम ज्ञात कर लें तो उसमें 10 जोड़ देंगे, पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी डी सी। तो देखिएगा हल लिख रहा हूं मैं, डायग्राम हमने बना लिया, एक तो अपने को बी डी ज्ञात करनी है, तो बोल देंगे माना बी डी बराबर एक्स मीटर है, ओके, ए बी 10 है तो डी ई भी कितनी होगी, 10 लिख देंगे, ए बी बराबर डी ई बराबर 10 मीटर, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों भी समांतर ही हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी। अब देखिएगा सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज सेलेक्ट कीजिए, या फिर यूं समझिए ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का कोण है, सबसे पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को बेटा ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर, ये 30 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का, यहां से x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी अपने को, जितना BD होगा x होगा उतना ही AE होगा, क्योंकि ये भी बराबर होंगे, तो हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये वाला समकोण त्रिभुज देखिए ABD त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में 90 डिग्री का कोण कौन सा है, बी, बी बराबर है 90 डिग्री, कोण डी बराबर है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और ये क्या है, आधार, जो कि अपने को ज्ञात करना, लंब दिया हुआ है आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल लंब 10 बटा आधार कितना है x, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो बराबर आ जाएगा 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 10 की √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। x का मान तो निकाल लिया आपने कि जहाज की पहाड़ी से कितनी दूरी है, 10√3 मीटर है, एक आंसर तो आपके पास आ गया। अब आपको बताना है क्या, पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है, तो यहां से लेकर ये 10 थी तो ये भी 10 ही, अब अपने को CE ज्ञात करनी है, तो CE ज्ञात करने के लिए मैं लिख सकता हूं कि BD है वो AE के बराबर है, BD किसके बराबर है, AE के बराबर है, और BD हमने ज्ञात कर ली कितनी आई है 10, तो ये भी कितनी होगी 10√3 मीटर होगी, x BD आई है अपने पास 10√3, क्योंकि BD ही x है, तो x का मान 10√3 आया, तो BD का मान भी 10√3 होगा, और BD किसके बराबर है, AE के बराबर है, तो AE का मान भी कितना हो जाएगा 10√3। अब इस समकोण त्रिभुज पे आ जाइए, ये 90 डिग्री का एंगल, त्रिभुज AEC में, AEC इस त्रिभुज में लिखेंगे कोण E बराबर है 90 डिग्री का,
और कोण ए बराबर है 60 डिग्री का। ओके, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार ए, ये आधार है। तो आधार है अपने पास 10√3, लंब ज्ञात करना है, तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है सी ई बट्टा आधार कितना है ए। अब मान रख दो टेन 60 का मान √3 बराबर सी ई अपने को ज्ञात करना है अपोन में ए ई, ए ई है 10√3, √3 के नीचे एक लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी ई आएगा और 10√3 की गुणा करेंगे √3 से, तो सी ई बराबर कितना आएगा बेटा 10 गुणा √3 की √3 से गुणा करेंगे 3, 10 की 3 से गुणा करेंगे 23 मीटर। सी ई का मान कितना आ गया, सी से लेकर के ई तक कितना आया है 30 मीटर आया है। अब आप बता सकते हैं पहाड़ी की ऊंचाई डी से लेकर के सी तक कितनी होगी, लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई डी सी बराबर डी ई प्लस ई सी, तो डी ई कितनी है 10 प्लस ई सी अभी अभी हमने निकाली है कितनी आई है 30, तो टोटल कितनी होगी 40, तो पहाड़ी की ऊंचाई है 40 मीटर। ये अपना आंसर हो गया, समझ में आया बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चन के साथ पढ़ते हुए डायग्राम बनाना सीखे, डायग्राम बनाना सीख जाते हैं उसके बाद में क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ 13 हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष, किसका शीर्ष, पेड़ का शीर्ष, उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है, उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है। देखिएगा क्वेश्चन में बोला है √3 का मान आप 1.732 लिखिएगा, कैलकुलेशन जब आप करेंगे इसमें तो अगले ने साफ साफ लिखा है कि √3 का मान आपको कितना लिखना है, 1.732 लिखना है। देखिएगा बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाएंगे हम, बोला गया एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, लो ये जमीन है, इस जमीन पर ये हमने एक पेड़ बना दिया, पेड़ की ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, नाम दे दिया ए बी, ये ए बी पेड़ है, ए से लेकर के बी तक की ये टोटल लंबाई कितनी है, क्वेश्चन में बताई 12 मीटर। अब बोल रहा है तेज हवा आई, उस तेज हवा से पेड़ टूट गया, किस प्रकार टूटा, कहीं से टूटा है ये, और फिर बोल रहा है उसका शीर्ष है वो जमीन को छूने लगता है, मान लो पेड़ यहां से टूट गया सी बिंदु से, जहां से पेड़ टूटा तो ऊपर वाला भाग गिरेगा इधर, तो ये ऊपर वाला भाग यूं आके और यहां जमीन को छूने लग जाता है, मान लो यहां ये बिंदु हो गया डी, ये ऊपर वाला भाग यूं गिरा है डी बिंदु पर पहुंचा और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अपने को बोल रहा है कि बताइए
पेड़ है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, तो पेड़ यहां से टूटा है तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर, तो मान लेंगे h ऊंचाई पर टूटा है, h मीटर की ऊंचाई पर टूटा है जमीन से, ठीक है। माना सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, माना BC बराबर h मीटर, अर्थात पेड़ है वो मान लेंगे h ऊंचाई पर टूटा है। अब ये टोटल ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, तो इसमें से h हटा दें तो ये AC कितनी बचेगी, 12 माइनस h, और ये AC जो है यही तो इधर आया है, तो C से लेकर के D तक की लंबाई में लिख सकता हूँ 12 माइनस h, क्योंकि ये वाला पार्ट ही तो टूट के इधर आया है यूं, तो ये 12 माइनस h है, तो ये भी कितना होगा 12 माइनस h। अपने को h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिएगा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई BC भुजा, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, BCD त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज BCD में कोण B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, कोण D बराबर कितने का है, 60 डिग्री का है, और ये भी लिखा जा सकता है कि AC किसके बराबर है, DC के बराबर है, AC बराबर DC, और बराबर में कितना है 12 माइनस h मीटर। ये छोटी छोटी बातें आप लिख सकते हो। अब देखिएगा अपने को क्या ज्ञात करना है, h मान, h का ये मान ज्ञात करना है, और ये 12 माइनस h है अपने पास। अब देखिएगा 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये करण हो गई, ये करण है ये लंब है, लंब और करण किस में होता है, साइन में, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा करण, तो लंब कितना है h बट्टा करण कितना है 12 माइनस h, समझ में आई इतनी बात। साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बट्टा 2 बराबर h बट्टा 12 माइनस h, समझ में आई इतनी बात। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2h बराबर 12 माइनस h की मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 रूट 3 माइनस रूट 3 h। अब इस रूट 3 h का पक्षांतरण कर लो h की तरफ, तो 2h और प्लस में आ जाएगा रूट 3 h बराबर में होगा 12 रूट 3, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों से हमने h कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लेंगे तो बेटा यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 बराबर में कितना है 12 रूट 3। तो h का मान निकालना है, तो h के साथ गुणा में जो कुछ है उसका दूसरी तरफ भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12 रूट 3 बट्टा में आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, समझ पाए इतनी बात, मीटर। या तो आप आंसर को यहाँ छोड़ दीजिए, अगर यहाँ आप आंसर नहीं छोड़ते हैं तो आप हर का प्रमेयीकरण कर सकते हैं, तो मैं हर का प्रमेयीकरण कर रहा हूँ, यहाँ h बराबर 12 रूट 3 यहाँ छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा 2 प्लस रूट 3 इतना तो लिखा हुआ है। अब हर का प्रमेयीकरण कैसे करेंगे, हर में जो संख्या लिखी हुई है 2 प्लस रूट 3 इसके संयुग्मी से अंश और हर को गुणा करेंगे, तो 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 माइनस रूट 3, समझ पाए इतनी बात। अब देखिएगा बराबर में आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एच बराबर आएगा 12 रूट 3 इंटू में है 2 माइनस रूट 3 अपोन में ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1, तो एच बराबर क्या आया 12 रूट 3 इंटू में है 2 माइनस रूट 3। अब क्या करें 12 रूट 3 के अंदर गुणा कर दो, तो एच बराबर 12 रूट 3 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24 रूट 3 माइनस 12 गुणा रूट 3 की रूट 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, तो h का मान आएगा बेटा अपना 24 रूट 3 माइनस 12 की 3 से गुणा करेंगे 36 मीटर, ये अपना आंसर है। अगले ने फिर बोला रूट 3 का मान, क्वेश्चन में बोला है 1.732 रखिएगा, तो रूट 3 का मान आप यहाँ रख देना 1.732, उसकी 24 से गुणा करके 36 हटा देना, जो कुछ आएगा आपका आंसर होगा h का मान होगा, जो कि क्या है ये ऊंचाई बताएगा कि जमीन से पेड़ है वो कितनी ऊंचाई पर टूटा है, समझ में आया क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।